बोर्ड अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से लेकर आई है, साथ में क्राइम ब्रांच की टीम चल रही थी। उमेश कुमावत वहां एबीपी संवाददाता मौजूद। उमेश, हम देख रहे हैं वहां पर मैयप्पन पहुंच गए, अब पूछताछ होगी। जी हाँ, काफी मीडिया की भीड़ है और पुलिस अपनी सिक्योरिटी में उनको लेके जा रही है, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में लेके जा रही है। वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और काफी सारा मीडिया है और काफी सारी सुरक्षा भी, पुलिस की सुरक्षा भी है, लेकिन मीडिया के कई सारे कैमरे हैं और इनके बीच जो है मैयप्पन इस वक्त मुंबई की क्राइम ब्रांच में आ चुके हैं और इस वक्त उनको ले जाया जा रहा है क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ पे सुरक्षा बुकिंग हो गई है, यानी काफी सारे मीडिया के कैमरे हैं, इसलिए जी जी उमेश सुन पा रहे हैं हम आपको, बीच बीच में आवाज टूट रही है। जैसा आपने बताया वहां धक्का मुक्की हुई है, ये देखिए हमें तस्वीरें भी दिख रही हैं हमें गुरुनाथ मैयप्पन की। गुरुनाथ मैयप्पन मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें आज शाम पहुंचना था, लेकिन वो अब पहुंचे हैं। शाम से ही रनवे पर मुंबई पुलिस मौजूद थी, उनका एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड हुआ, उसके बाद मुंबई पुलिस की गाड़ी उनके पीछे पीछे आई, वो अपनी गाड़ी में वकील के साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं। यहां उनसे पूछताछ होगी, अकेले में पूछताछ होगी, फिर बिंदु दारा सिंह के साथ आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी, फिक्सिंग पर भी पूछताछ होगी, सट्टेबाजी पर भी पूछताछ होगी गुरुनाथ मैयप्पन से। जितेंद्र दीक्षित एबीपी संवाददाता भी वहीं मौजूद। जितेंद्र, तो अब पूछताछ की तैयारी है, हमने देखा अंदर जा रहे हैं मैयप्पन। जी हाँ, अभी अभी मैयप्पन को यहाँ पर पुलिस मुख्यालय लेकर आया गया है और क्राइम ब्रांच की यूनिट एक का जो दफ्तर है उसकी तरफ उन्हें कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अभी ले जाया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद ही क्राइम ब्रांच की पहली मंजिल पर जो ज्वाइंट कमिश्नर हिमांशु राय का दफ्तर है वहां उन्हें ले जाया जाएगा और वहां पर उनसे हिमांशु राय खुद पूछताछ करेंगे। इसके अलावा जो बाकी के जांच अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके बाद जब एक बार उनकी रिमांड ले ली जाएगी, अगर गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी अनाउंस होती है और अदालत से उनकी रिमांड ली जाती है, तो उसके बिंदु दारा सिंह के साथ आमने सामने बिठाकर भी उनसे पूछताछ की जा सकती है। अभी वे फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और इस वक्त यूनिट वन का जो दफ्तर है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का, वहां पर उन्हें बिठाया गया है। जी, तो ये पहले उनसे अकेले में पूछताछ होगी, उसके बाद बिंदु दारा सिंह से आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, यानी सट्टेबाजी पर भी और फिक्सिंग पर भी। देखिए, फिक्सिंग के बारे में जो है अब तक कोई बात नहीं आधिकारिक तौर पर कही गई है, लेकिन हाँ, ये जो पूरा मामला है, जो अपराध दर्ज हुआ है मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की ओर से, वो सट्टेबाजी को लेकर है और सट्टेबाजी के संदर्भ में ही प्राथमिक पूछताछ उनसे की जाएगी। ये सवाल पूछे जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने विंदु के मार्फत सट्टा लगाया, कितने का सट्टा लगाया, किन किन मैचों में सट्टा लगाया, कितने पैसे उन्होंने जीते, कितना पैसा उन्होंने हारा, इस तरह के तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे इस पूछताछ में जो है, और जो भी सबूत आए हैं इसके अलावा जो बाकी के बुकीज और जो दूसरे इस मामले में जो कि हवाला रैकेट चलाने वाले लोग हैं उनसे जो सबूत इकट्ठा हुए हैं उनको लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी और अब से कुछ देर बाद ही इस पूछताछ के शुरू होने की उम्मीद है और इस आशंका से इनकार नहीं किया है। हमने ज्वाइंट कमिश्नर हिमांशु राय से खुद भी पूछा था तो उन्होंने इस आशंका से इनकार नहीं किया है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है शुरुआती पूछताछ के बाद में। तो ये और ये गिरफ्तारी की जो संभावना है वो आज ही हो सकती है, गिरफ्तारी आज की पूछताछ के बाद ही। जी हाँ, आज अब से कुछ देर बाद ही उनसे पूछताछ की जाएगी और उस पूछताछ के बाद मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए और फिर उनका मेडिकल टेस्ट कराकर अदालत में कल उनकी रिमांड ली जाए, लेकिन ये इस वक्त तक सिर्फ एक संभावना ही है, सिर्फ एक शंका ही है। इस बारे में आधिकारिक तौर पर अब तक पुलिस ने बिल्कुल नहीं कहा है कि हम पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार करेंगे, लेकिन पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका से इनकार भी नहीं किया है। ये कब कितनी देर तक चल सकती है पूछताछ, कुछ अंदाजा है? एक अनुमान के मुताबिक उनसे करीब 1.5 से 2 घंटे तक पूछताछ यहां पर हो सकती है। जी, तो ये हम देख रहे हैं तस्वीरें जिसमें वो पहुंचे वहां पर, क्या लाइन हो सकती है क्वेश्चनिंग की, क्या क्या सवाल हो सकते हैं, क्या संभावना है? देखिए, उनसे शुरुआती पूछताछ में ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपके विंदु दारा सिंह के साथ क्या रिलेशन रहे हैं, विंदु ने जो जानकारी इनके बारे में दी है उस जानकारी के साथ इनको कंसल्ट किया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा कि क्या आप मैच फिक्सिंग करते थे, हमारे पास में ये जानकारी मिली है, हमें ये जानकारी मिली है जिससे ये पता चलता है कि आप बैटिंग करते थे, क्रिकेट पर सट्टा लगाते थे, आपने किन किन मैचों में इस आईपीएल सीजन में सट्टा लगाया, आपने पहले किन किन मैचों में सट्टा लगाया, किन किन मैचों में आपकी जीत हुई, किन किन मैचों में आपकी हार हुई, आपने कुल कितना पैसा लगाया,
आपके बिहाफ पर बुक्की के तौर पर चेक, यानी कि बिंदु दारा सिंह ही काम कर रहे थे या आप और बुक्कियों के मार्फत भी पैसा लगा रहे थे? आपने कुल कितना पैसा लगाया? इस तरह के तमाम सवाल जो है इनसे शुरुआती पूछताछ में किए जाएंगे।